और खबर बलरामपुर से है, जहां पर बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पहुंची, जिसका बलरामपुर गोंडा की सीमा पर ही कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्री दत्तगंज के कांदभारी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में यात्रा में शामिल कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक एवं राज्य मंत्री पलटू राम मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया, जहां पर जनता को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा है कि पूर्व सरकारों ने सिर्फ हमें लूटने का काम किया है। जो बजट पिछली सरकारों में दिल्ली से चलता था, मैनपुरी टावा तक आते आते खत्म हो जाता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तब से यूपी में विकास की गंगा बह चली है। इसके अलावा कानून मंत्री बृजेश पाठक ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। जन विश्वास यात्रा 19 तारीख को अंबेडकर नगर से शुरू हुई अवध क्षेत्र की, आज बलरामपुर जनपद में आई है। जिस जन से लाखों की संख्या में बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, नौजवानों ने अपना आशीर्वाद दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी 2022 के आम चुनाव में भी 350 से अधिक सीटें जीतेगी, दोबारा सरकार बनाएगी। जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में केवल गुंडों माफियाओं का राज होता है, थानों पर समाजवादी पार्टी के गुंडे कब्जा करके बैठ जाते हैं, सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता है, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को बेइज्जत किया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही कानून का राज स्थापित कर सकती है, इसलिए लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।